Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. Students, आज के वीडियो लेक्चर में हम BSc Final Year Organic Chemistry 5th semester के important questions को देखने वाले हैं. तो सबसे पहले Organic Chemistry का जो paper होता है 30 marks का होता है, जिसके अंदर first section में NMR spectroscopy first को पूछा जाता है and second में NMR spectroscopy part second को. थर्ड पार्ट में कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट फर्स्ट एंड डी सेक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट सेकंड. इसके साथ साथ डी सेक्शन में ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स को भी यहाँ पे पूछा जाता है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. इसके अंदर जो कंपलसरी सेक्शन होता है, इसके अंदर 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये हमारे नेक्स्ट पेपर का कंपलसरी सेक्शन है. इसमें सबसे पहले केमिकल शिफ्ट, रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, एनोमर्स, स्मिथ रिएक्शन. अब हम सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं. जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आर राइट, शूट नोट्स ऑन स्पिन स्पिन कपलिंग, कपलिंग कांस्टेंट, पीक एरिया. इन बी पार्ट में शील्डिंग एंड डी शील्डिंग को पूछा गया है. तो जो राइट शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क के तीनों पार्ट है. उसके अंदर आपको इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें से कम भी लिख सकते हैं. यहाँ पे शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखा है. सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिस ऑफ PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. एंड बी पार्ट में पूछा गया है गिव द नंबर ऑफ सिग्नल्स, देयर रिलेटिव पोजीशन एंड मल्टीप्लिसिटी इन PMR स्पेक्ट्रा ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स. ये NMR स्पेक्ट्रम का डायग्राम है. यहाँ पे PMR स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रखा है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. प्रिंसिपल आपको NMR का भी और PMR का भी दोनों का करना है. उसके अलावा बी पार्ट में यहाँ पे पूछा गया है प्रोटीन एक्सचेंज प्रोसेस. ये इसका डायग्राम दे रखा है. उसके अलावा नीचे शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटोन्स दिखा रखी है. यहाँ पे प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस का डायग्राम है. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रिडिक्ट कैसे करेंगे हम सिग्नल्स PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में या फिर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में. इनमें से एक भी पूछा जा सकता है और दोनों को भी पूछा जा सकता है 3-3 मार्क्स में. उसके अलावा आप एक बार स्पिन स्पिन स्प्लेटिंग को भी पढ़ लेना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है. इसके साथ साथ इसके रूल्स फॉर स्प्लेटिंग ऑफ प्रोटॉन सिग्नल्स. तो ये यहाँ पे इसके रूल्स एक्सप्लेन कर रखे हैं. एंड वी पार्ट में इसके पूछा गया था कि डायस्टेरी टॉपिक प्रोटोन्स क्या होते हैं विद एग्जाम्पल बताओ. ये इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं डाई स्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स के. फर्स्ट सेक्शन के इतने क्वेश्चन थे. आप देखते हैं बी सेक्शन में. बी सेक्शन में सबसे पहले करना है PMR स्पेक्ट्रा ऑफ एसीटल्डिहाइड. आपको कोई भी कंपाउंड दे देंगे और उसका PMR या फिर NMR स्पेक्ट्रा निकालना होगा. एंड बी सेक्शन में नंबर ऑफ सिग्नल्स भी कैलकुलेट करने आते हैं कि PMR स्पेक्ट्रा में कितने सिग्नल्स होते हैं. आपको कंपाउंड्स दे देंगे और उनके सिग्नल्स कैलकुलेट करने होंगे. या फिर बी सेक्शन में इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है एंड इसके ट्रिपलेट सिंगलेट डबलेट जो भी हमें मिले हैं उनकी वैल्यूज दे देंगे और आपको स्ट्रक्चर बताना होगा कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है. उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. इस टाइप के क्वेश्चन भी बी सेक्शन में पूछे जाते हैं. जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है NMR स्पेक्ट्रा ऑफ इथाइल एसीटेट एंड 1-1 डाइब्रोमो इथीन.
तो आपको जितने भी कंपाउंड्स हैं सिलेबस में उन सब के एनएमआर एंड पीएमआर स्पेक्ट्रा करने हैं। किसी भी कंपाउंड का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑर्डिनरी अल्कोहल्स का एनएमआर स्पेक्ट्रा। यहाँ पे ऑर्डिनरी अल्कोहल्स का एनएमआर स्पेक्ट्रा है, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। एंड नेक्स्ट पार्ट में मैंने पहले भी बताया है कि पीएमआर या फिर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे दो कंपाउंड्स दे देंगे और उनके बीच में डिफरेंस पूछ लेंगे। ये वाला पार्ट मैंने आपको पहले भी दिखाया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बेंजाल्डिहाइड का एनएमआर स्पेक्ट्रम पूछा गया है। तो बी सेक्शन में मैंने बता दिया इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, या तो किसी कंपाउंड का एनएमआर या पीएमआर स्पेक्ट्रा दे देंगे, या फिर आपको सिग्नल्स कैलकुलेट करने होंगे, इसके अलावा सिग्नल्स की वैल्यूज दे देंगे और आपको बताना है कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। एंड इसके अलावा एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे आप कंपाउंड्स को डिस्टिंग्यूज करो। इसके बाद आता है सी सेक्शन। सी सेक्शन में कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एल्डोज इंटू आइसोमेरिक कीटोज, ग्लूकोज इंटू फ्रक्टोज की कन्वर्जन। एंड उसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज आइसोसा जोन, शो हाउ इट इज फॉर्म फ्रॉम फ्रक्टोज एंड राइट इट्स मैकेनिज्म। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो कि पार्ट्स में पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। या तो इसमें आप फ्यूचर मैकेनिज्म कर देना या फिर मॉडर्न मैकेनिज्म कर देना, दोनों में से एक मैकेनिज्म को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। एंड सेकेंड क्वेश्चन में फिशर क्लियानी सिंथेसिस पूछी गई है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा पाइरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ इसके एविडेंस भी करने हैं आपको। तो ये क्या है, फिशर क्लियानी सिंथेसिस की रिएक्शन। उसके अलावा नीचे दे रखा है कि पाइरानोज की डेफिनेशन क्या होती है, हार्वर्ड प्रोजेक्शन कैसे होता है। एंड इसके बाद हमें एविडेंस में भी बताना कि जो ग्लूकोज के पास पाइरोनोज रिंग स्ट्रक्चर होता है उसके एविडेंस क्या क्या हैं। तो यहाँ पे इन्होंने चार एविडेंसेस दे रखे हैं, इनमें से आप दो या तीन एविडेंस को भी कर सकती हैं क्योंकि क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रफ डिग्रेडेशन एंड कन्वर्ट डी ग्लूकोज इंटू डी मैनोज, 3-3 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन हैं। तो ये यहाँ पे रफ डिग्रेडेशन की रिएक्शन है, नीचे दे रखा है डी ग्लूकोज को डी मैनोज में कैसे कन्वर्ट करती है। एंड इसके 7th क्वेश्चन में पूछ रखा है व्हाट इज हावर्ड स्ट्रक्चर एंड डी ग्लूकोज राइट शॉर्ट नोट ऑन ओसाजोन फॉर्मेशन। ये यहाँ पे इसकी ओसाजोन फॉर्मेशन जो मैंने आपको पहले भी दिखा दी एक बार, तो उन्होंने एक ही क्वेश्चन में फ्रक्टोज का भी ओसाजोन दिखा रखा और ग्लूकोज का भी, दोनों में से एक को कर लेना, दोनों को मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि म्यूटर रोटेशन क्या होता है, इसका मैकेनिज्म बताओ एंड वोल डिग्रेडेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ एल्डो हेक्सोज इंटू एल्डो पेंटोज। यहाँ पे म्यूटा रोटेशन का मैकेनिज्म है, उसके साथ साथ वोल डिग्रेडेशन की रिएक्शन दे रखी है जिसमें हमें एल्डो हेक्सोज को एल्डो पेंटोज के अंदर कन्वर्ट करना है। 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एपिमर्स पूछा गया है, जिसके अंदर ग्लूकोज को मैनोज में कन्वर्ट करना, ये वाला क्वेश्चन पहले भी कर लिया। इसके अलावा जो हावर्ड स्ट्रक्चर है अल्फा डी फ्रक्टो पाइरेनोज, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरोनोज एंड राइबोज के तीनों के स्ट्रक्चर्स बताने हैं। तो सबसे पहले तो ये फ्रक्टो पाइरेनोज का स्ट्रक्चर है, देन फ्रक्टो फ्यूरेनोज का स्ट्रक्चर है, एंड एंड में दे रखा है राइबोज का स्ट्रक्चर। डी सेक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट सेकंड के साथ में ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स भी पूछे जाते हैं। तो डी सेक्शन में आपको डाइसेक्राइड्स के साथ साथ में पॉलीसेक्राइड्स भी करने हैं एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी करने हैं, इनमें से रिएक्शंस पूछी जाती हैं।
कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ये हमारी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस हैं एंड बी सेक्शन में स्टार्च एंड सेलुलोज के बीच में डिफरेंस पूछ रखा है। इस वाले क्वेश्चन में सुक्रोज का स्ट्रक्चर पूछ रखा है, तो डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज तीनों का स्ट्रक्चर करना है। एंड इसके बी पार्ट में सिमोन स्मिथ रिएक्शन पूछी गई है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि माल्टोज का स्ट्रक्चर क्या है, इससे पिछले वाले में सुक्रोज का पूछा गया था। एंड मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स, तो ये यहाँ पे माल्टोज का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन क्या है एंड इसके साथ साथ पॉलीसेक्राइड विद स्टार्च का स्ट्रक्चर। तो डी सेक्शन में हमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, उनकी केमिकल रिएक्शंस, डाइसेक्राइड में तीन करने हैं, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, एंड पॉलीसेक्राइड में स्टार्च एंड सेलुलोज ये दोनों करने हैं। इनके बीच का डिफरेंस भी कर लेना एंड इनके साथ साथ इनका स्ट्रक्चर भी करना है। तो स्टार्च कुछ तो अमाइलोज की फॉर्म में प्रेजेंट होती है एंड कुछ अमाइलोपेक्टीन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन में कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस पूछी गई हैं। इसके अलावा सुक्रोज हमने पहले ही कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।